हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम इस साल का थर्ड लास्ट वीडियो कवर करते हैं। बस एक दिन और बचा है, फिर सेलिब्रेशंस, तो लेट स्टार्ट द थर्ड लास्ट वीडियो। आज मैंने जो क्विज लिया है, दो एग्जाम हुए थे पिछले हफ्ते। एक हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम, और दूसरा हुआ था ओडिशा में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, OSSC SI। इन दोनों को कवर करूंगा, इनके सारे करंट अफेयर ले लिए मैंने। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे थे, तो आपको पढ़ देता हूं क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन है, पर आप गिन लेना और फिर अपना स्कोर उसी हिसाब से आप कमेंट में लिखना। ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो आपके लिए बोनस हो गया। जब भी ऑप्शन होते हैं तो आप अपने स्कोर को +5 कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, अंगूरा वूल किस जानवर से मिलती है? ये अंगूरा क्या होता है? ये एक लोमड़ी है, बकरी है, या रैबिट है, खरगोश है, या ये भेड़ है? फिर पूछा है, नालको कंपनी के चेयरमैन कौन है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी नालको। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने कौन से कंट्री के ऊपर बैन लगा दिया अभी? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। भारत ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन से कंट्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि MOU साइन किया है? मिस इंडिया कौन बनी 2019 और कौन से राज्य से बनी, यह भी बताओ। सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है, कौन बनी, कौन से राज्य से बनी, यह भी मैं जानना चाहूंगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर 2019 बिल्कुल लेटेस्ट कौन से कंट्री गए? डिफिकल्ट सवाल है, उतना आसान नहीं है, इतना आसानी से नहीं बता पाओगे आप। प्रधानमंत्री मोदी कौन से देश में गए दिसंबर 2019 में? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? जो 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था गोवा में, उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड, और गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट फिल्म को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। कौन सी मिसाइल है जिसका भारत ने सफल प्रक्षेपण किया है मऊ मध्य प्रदेश से? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ज्यादातर मिसाइल के परीक्षण वगैरह जो करते हैं वो चांदीपुर वगैरह से करते हैं, हम मऊ से नहीं करते हैं, लेकिन इसका हमने मऊ से करा है। कौन सी मिसाइल की बात हो रही है? रामनाथ गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्रिंट के लिए किसे दिया गया? यानी जो समाचार पत्रों के अंदर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, उसके लिए किसे दिया गया रामनाथ गोयन का पुरस्कार? रामनाथ गोयन का वो व्यक्ति है जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को शुरू किया था। पाबुक नाम का चक्रवात, साइक्लोन पाबुक, ये कौन से देश में आया? अगला सवाल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला गया था चौथा 3 जनवरी से 7 जनवरी 2019, इसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो कौन से रोग के बारे में, कौन से डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खर्च होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा जब आंसर बताऊंगा तब। आपके ऑप्शन है एड्स, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, या हार्ट अटैक। गोल्डन ग्लोब में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसे मिला? यानी महिलाओं की अगर बात करें, एक्ट्रेस अभिनेत्रियों की बात करें, तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसे मिला गोल्डन ग्लोब, और कौन सी फिल्म के लिए मिला, यह भी मैं जानना चाहूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनमें से कौन व्यक्ति गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया, बिमल जलान, या उर्जित पटेल? ओलंपिक खेल 2020 में कहां पे होंगे? कितने राज्य हैं जिन्होंने मिलकर रेणुका जी बांध परियोजना शुरू करी है? ब्यूटिफुल क्वेश्चन। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा ऑनलाइन कैंपेन शुरू करा है? चारों नाम पढ़ लीजिए, वर्ल्ड वेब वुमेन, वेब वाइड वुमेन, वेब वंडर वुमेन, या वंडर वर्ल्ड वुमेन। भारतीय कृषि के किस व्यक्ति को वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज देकर सम्मानित किया गया? और यह सबसे पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज था जो इस व्यक्ति को दिया गया, किसकी बात हो रही है? यूनिसेफ ने भारत की तरफ से पहली बार किसी को यूथ एम्बेसडर बनाया, कौन है ये? युवा सद्भावना राजदूत, कौन है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से कौन व्यक्ति है जो उत्तराखंड का गवर्नर नहीं रहा है? ये आप रहने दो, क्योंकि ये उत्तराखंड का स्पेसिफिक एग्जाम है, क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तराखंड हाईकोर्ट एग्जाम से लिए गए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ग्लोबल सोलर काउंसिल का हेड पहली बार एक भारतीय को बनाया गया है, कौन है ये? अंतर्राष्ट्रीय सौर परिषद, पहली बार एक भारतीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, किसकी बात हो रही है? मिशन इंद्रधनुष किस चीज से रिलेटेड है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलेगी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसेप्ट को अपनाया है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी इसके लिए एक वर्ड होता है, मतलब एक थोड़ा सा पैसा हर व्यक्ति को दे दिया जाता है, राज्य में रहने वाले मासिक आय मिलती है सबको एक, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। गंगा जल परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई? इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल 2019 किस जगह पे हुआ? तो ये आज आपके लिए दो दो पेपर डिस्कस कर दिए मैंने, जिससे आपका काफी ज्यादा अच्छा अभ्यास हो जाए। चलो मैं एक एक करके आंसर बताता हूं। अंगोरा क्या है? देखो अंगोरा जो ये ऊन मिलती है ये एक खरगोश से मिलती है, तो आंसर है रैबिट। और एक और याद रखिए, एक पश्मीना होती है, पश्मीना ऊन, वो मिलती है बकरी से, तो पश्मीना बकरी चराई जाती है भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसके बाद नालको कंपनी के चेयरमैन बने हैं अभी अभी श्रीधर पात्रा, तो कितना लेटेस्ट पूछ लिया आप देख सकते हैं, ये एग्जाम अभी हुआ था और दो हफ्ते पहले ही बने हैं श्रीधर पात्रा, तो बिल्कुल एग्जाम से दो हफ्ते पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्जाम है ओडिशा का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अभी अभी बैन करा है रशिया को, 4 साल के लिए बैन करा है रशिया को, तो आंसर है रशिया। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। फिर पूछा था मानव तस्करी रोकने के लिए, तो हमने मानव तस्करी को रोकने के लिए एमओयू साइन करा है म्यांमार के साथ, तो आंसर है म्यांमार। उसके बाद पूछा मिस इंडिया कौन बना है? मिस इंडिया बनी है सुमन राव, और सुमन राव कहां की है? राजस्थान की है, राजस्थान की है। मिस यूनिवर्स कौन बना है? जोजी बेनिटुंजी साउथ अफ्रीका की। और मिस वर्ल्ड कौन बनी है? टोनी एन सिंह जमैका की। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बना है? श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं गोट भैया राजपक्षी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहां गए थे? प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, ये गए थे स्पेन। अब मोटी बात ये क्यों गए थे? देखो ये गए थे COP25 की मीटिंग हुई थी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, ये उसको अटेंड करने के लिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी। COP25 की मीटिंग पहले होने वाली थी चिले में, चिले ने मना कर दिया, फिर स्पेन बोला मैं करवाऊंगा, तो मैड्रिड में गए थे ये इसको अटेंड करने, तो आंसर है स्पेन। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है पार्टिकल्स फिल्म को, ये फ्रांस की फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं ब्लेज हैरिसन, ये भी याद रखो। निर्देशक कौन है? और मऊ से हमने टेस्ट फायर किया अभी अभी बिल्कुल स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को ध्वस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और इसराइल से हमने खरीदी है स्पाइक LR मिसाइल। रामनाथ गोयन का पुरस्कार मिला उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रिंट में एस विजय कुमार को। इनका कॉलम आता है द हिंदू में, अगर आप हिंदू का एनालिसिस देखते हैं तो आप एस विजय कुमार के कॉलम देखेंगे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। पाबुक आया था थाईलैंड में, थाईलैंड में भी आया था और थोड़ा सा अंडमान को छूके गया था, खैर अंडमान में ज्यादा कोई तबाही नहीं मचाई इसने, थोड़ा बहुत म्यांमार को भी छुआ इसने, पर मेन छुआ थाईलैंड को। अब इसके पीछे क्वेश्चन 62 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे मैं कहानी बताता हूं क्या है। देखो ऑस्ट्रेलिया के एक महान गेंदबाज थे जिनका नाम है ग्लेन मैकग्रा, थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये नहीं खेलते हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो ग्लेन मैकग्रा की पत्नी जेन मैकग्रा, इनकी मृत्यु हो गई थी कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर था इन्हें। और ऑस्ट्रेलिया में आप वैसे भी जानते हैं लोगों को कैंसर बहुत होता है, खास तौर पे स्किन कैंसर, क्योंकि ओजोन के ऊपर जो छेद है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, राइट। और भी जगह है अंटार्कटिका वगैरह, लेकिन आप याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो ओजोन लेयर छान नहीं पाता अच्छे से, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों को त्वचा का कैंसर बहुत ज्यादा होता है। खैर ग्लेन मैकग्रा की पत्नी को था ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ग्लेन मैकग्रा ने यह निर्णय लिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो है ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए पैसा जुटाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया में साल का जो भी पहला टेस्ट मैच खेला जाता है उससे जितना भी कलेक्शन होता है, जो भी टिकट वगैरह बेच के जो भी कमाई होती है, और इतना ही नहीं बल्कि जो खिलाड़ी हैं वो भी अपनी चीजों को डोनेट करते हैं चैरिटी में। जैसे विराट कोहली ने पिंक कलर का बैट यूज किया था, पिंक दस्ताने यूज किए थे, कैंसर अवेयरनेस के बारे में जो रंग होता है वो पिंक होता है, तो पिंक रिबन, पिंक कैंसर, ये सब चीजें थी। तो पिंक कलर का जो बैट और ये टोपी वगैरह सब उन्होंने वो किया, बेचा, ऑक्शन किया, नीलामी की, और जो भी पैसा इकट्ठा हुआ वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो बहुत ही डीप सवाल है और हर कोई नहीं कर पाएगा। फिर ये पूछा था कि 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है ग्लेन क्लोज को, और फिल्म का नाम है द वाइफ। अब इसमें देखो आप एक चीज सोच सकते हो कि ये तो जनवरी 2019 का क्वेश्चन अभी क्यों पूछ रहे हैं,
देखो अगर आप बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम छोड़ दो तो सब में एक साल के करंट अफेयर आते हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, सीएचएसएल, सीएचएसएल, एलडीसी, स्टेनो, मतलब जो भी एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर आएंगे वो एक साल के आते हैं, सिवाय बैंकिंग और इंश्योरेंस छोड़ के। बैंकिंग और इंश्योरेंस एकमात्र एग्जाम है जिनमें 6 महीने के करंट अफेयर आते हैं। तो आप जो एग्जाम दे रहे हो ऐसा नहीं है कि 6 महीने के पढ़ लोगे और काफी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जनवरी, फरवरी और मार्च के हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मनमोहन सिंह रहे हैं, बिल्कुल, बिमल जलान भी थे, उर्जित पटेल भी रहे हैं, तो आंसर है मोंटेक सिंह आलूवालिया, ये नहीं रहे हैं। ओलंपिक खेल टोक्यो में होंगे, 2024 के पेरिस और 2028 के लॉस एंजलिस। रेणुका जी बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये समझा देता हूं आपको। 6 राज्यों ने मिलकर साइन करी है और इसमें 3 बांध बनाए जाएंगे, कौन कौन से? सबसे पहला बांध है रेणुका जी बांध, जिसका नाम है रेणुका जी परियोजना, तो रेणुका जी बांध कहां बनेगा, ये कौन सी नदी पे बनेगा? ये बनेगा नदी पे जिसका नाम है गिरी। क्या नाम है नदी का? गिरी। दूसरा बांध है लखवार बांध, कहां बनेगा? ये लखवार बांध बनेगा यमुना नदी पे। और तीसरा बांध है किशाऊ, किशाऊ बांध बनेगा टोंस नदी पे, ठीक है। और ये टोंस नदी और गिरी नदी ये दोनों जाके यमुना में ही मिल जाती है। तो 3 बांध बनेंगे रेणुका जी परियोजना में, रेणुका जी बांध, लखवार बांध और केशाव बांध। और इसका आंसर है 6 राज्य, 6 राज्यों ने मिलकर परियोजना साइन करी है, उत्तराखंड, दिल्ली, मतलब यही सब नॉर्थ वाले सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर वाले सारे, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये सब है। फिर पूछा था कि कौन सा ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया था, यह है वेब वंडर वुमेन, तो आंसर ऑप्शन डी। पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज मिला एम एस स्वामीनाथन को, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। अब एक सवाल यह भी पूछ सकते हैं एम एस स्वामीनाथन प्राइज किसे मिला है, तो वो मिला है कैनेथ क्विन को, और कैनेथ क्विन अमेरिका के हैं, अमेरिका के ये राजदूत रहे हैं बहुत सारे देशों में। यूनिसेफ ने यूथ एम्बेसडर बनाया हीमा दास को। असम की खिलाड़ी है, नागांव से, ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं। नेशनल साइंस डे के दिन सीवी रमन, जो भौतिकी में पहले नोबेल प्राइज विनर थे भारत की तरफ से, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो आंसर है 28 फरवरी, 28 फरवरी। उसके बाद उत्तराखंड के गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री थे, बाकी सब गवर्नर रहे हैं। और उत्तराखंड के पहले गवर्नर थे सुरजीत सिंह बरनाला। ग्लोबल सोलर काउंसिल को हेड करने वाले पहले भारतीय हैं प्रणव मेहता, प्रणव मेहता। मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, और अब तो बल्कि और बड़ा हो गया है, जिसको बोलते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 8-8 रोग हैं जिनके खिलाफ टीकाकरण किया जाएगा, पहले सिर्फ 1-2 होते थे। बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद, तो इसका आंसर हो गया 3rd। और मुंबई से अहमदाबाद और क्या होगा, मुंबई से अहमदाबाद दूसरी तेजस एक्सप्रेस चलेगी, सेकंड तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है, IRCTC चलाएगा, वो चलाएगा अहमदाबाद से मुंबई। चलो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में लिख के बताओ नीचे, डिफिकल्ट सवाल है। IRCTC कर्नाटक राज्य की एक ट्रेन चलाएगी, काफी लग्जरी ट्रेन है, काफी आधुनिक ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम क्या है जिसका संचालन अब से IRCTC करेगी? पहले इस ट्रेन को कर्नाटक की सरकार चलाती थी, इस ट्रेन का नाम कमेंट्स में लिख के फटाफट बताओ। नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है इसको शुरू किया सबसे पहले सिक्किम ने, और आपको बता दूं सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, और यह भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य भी है। गंगा जल परियोजना क्या है? देखो आगरा को मिलता है यमुना का पानी क्योंकि आगरा यमुना नदी के किनारे है, पर आगरा में पानी की कमी है, तो अब आगरा में गंगा का पानी लाया जाएगा, इसको नाम दिया गया गंगा जल परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद शुरू करी आगरा में, तो आंसर है आगरा, उत्तर प्रदेश। फिर इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल हुआ था नई दिल्ली में, तो आपके 2-2 पेपर मैंने करा दिया आज, और कितना स्कोर बना बताओ कमेंट्स में लिख के बताओ। चलिए अब करते हैं आज के प्रश्न। मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश के मांडू में होता है, तो ये कौन सा संस्करण हो रहा है? देखो पहली बार मध्य प्रदेश में मांडू नाम का जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है, तो आंसर है पहली बार हो रहा है मांडू महोत्सव। और ये जो महोत्सव हो रहा है इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ। और तानसेन महोत्सव भी हुआ, पंडित विद्यादत्त शर्मा जो है उन्हें यहां पे तानसेन पुरस्कार भी दिया गया, शास्त्रीय संगीत के लिए होता है ग्वालियर में। तानसेन महोत्सव कहां पे होता है? ग्वालियर में होता है, यह भी याद रखिए। और आंसर है पहला। अवन गार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, यह मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, बेसिकली हाइपरसोनिक हथियार एक ही देश के पास है पूरी दुनिया में, वो देश कौन सा है? यह देश है रशिया।
तो रूस जो है वो एकमात्र देश है, और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये 2 मेगाटन न्यूक्लियर बम गिरा सकती है, तो आप रूस से युद्ध नहीं करना चाहेंगे। 2 मेगाटन न्यूक्लियर बम रूस गिराने में क्षमता रखता है, और इस मिसाइल को अगर गिरा दिया कहीं पे तो वहीं पे तुरंत 2000 डिग्री का टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। 2000 डिग्री टेम्परेचर। किस देश ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च लॉन्च करा है? लॉन्ग मार्च रॉकेट कौन से देश का है? CNSA का है, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी, यानी कि CNSA आंसर है चीन। चलो कमेंट्स में लिख के बताओ, मिलता जुलता नाम है CNES, ये कौन से देश की स्पेस एजेंसी है? CNES कौन से देश की स्पेस एजेंसी है ये? और चाइना क्यों न्यूज में आया था? इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत लॉन्च करा है, पहला था लियाओनिंग और दूसरा है शानडोंग। भारतीय वायुसेना ने प्रतिष्ठित MiG-27 जो विमान है उसको अंतिम विदाई दे दी, यानी उसको डीकमीशन कर दिया है, सेवानिवृत्त कर दिया है। इसका दूसरा नाम क्या है? MiG-27। MiG-27 का इस्तेमाल हमने किया कारगिल युद्ध में, इसको इसलिए नाम दिया गया बहादुर, इसको इसलिए नाम दिया गया बहादुर। क्लियर? पॉलिटिक्स ऑफ ऑपरचुनिज्म, ऑपरचुनिस्टिक मतलब क्या होता है? जो मौका खोजे और फिर उसी हिसाब से राजनीति करे। पॉलिटिक्स ऑफ ऑपरचुनिज्म ये किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है RPN सिंह ने। RPN सिंह मशहूर लेखक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ, RPN सिंह। विकास सबनीस, इनका निधन हो गया, ये प्रसिद्ध कौन थे? 50 साल का कैरियर था इनका, ये कार्टूनिस्ट थे, ये थे कार्टूनिस्ट, और इनके आदर्श थे बाला साहेब ठाकरे और आर के लक्ष्मण। बहुत कम लोग जानते हैं बाला साहेब ठाकरे बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, और इनका तो एक अखबार भी छपता है शिवसेना का जिसको बोलते हैं सामना, तो सामना अखबार छपता है शिवसेना का। क्या बता सकते हो कि बाला साहेब ठाकरे जो मतलब जहाँ जो ठाकरेज रहते हैं उस घर का नाम क्या है? ये कोई कोई बता पाएगा कि उनके घर का क्या नाम है, बाला साहेब ठाकरे के घर का नाम जहाँ पे आज भी सब लोग रहते हैं, उसका नाम बताइए कमेंट्स में लिख के। मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिस टीन इंटरनेशनल बनी है आयुषी ढोलकिया, आयुषी ढोलकिया। और आपको बता दूं ये हुआ कहां पे था? ये हुआ था जयपुर के जयबाग पैलेस में, जयपुर के जयबाग पैलेस में इसका आयोजन किया गया था, और जयपुर में ही है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ में पहली बार लायन सफारी शुरू की गई थी, अभी अभी यूपी के इटावा में की गई है लायन सफारी शुरू, और लायन को ट्रांसफर कर रहे हैं, गिर से थोड़े बहुत ले जा रहे हैं कुनो, पलपुर कुनो वन्य विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा लुधियाना में टाइगर सफारी स्टार्ट हुई है। किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन क्रिकेट अलमनाक ने 4 अन्य के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है? पिछले 10 साल के सबसे बेस्ट 5 खिलाड़ी कौन है विजडन के हिसाब से? विजडन अलमनाक क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था याद है? स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। इस सदी के पिछले 10 सालों के 5 सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं, एक तो है विराट कोहली, तो आंसर इस क्वेश्चन का विराट कोहली। दूसरे हैं स्टीव स्मिथ, और एक हैं एलाइस पेरी। एकमात्र महिला हैं 5 में, 4 पुरुष हैं, एकमात्र महिला ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिस पेरी। और एलिस पेरी को मिला था इस साल ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब। इस पुरस्कार को बोलते हैं रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड, रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड। तो 3 हो गए, स्टीव स्मिथ, एलिस पेरी, विराट कोहली, और 2 बचे। तो 2 कौन है? एक है डेल स्टाइन, साउथ अफ्रीका के हैं, और दूसरे हैं एबी डिविलियर, ये भी साउथ अफ्रीका के हैं। तो टोटल हो गए 5, एबी डिविलियर और डेल स्टाइन साउथ अफ्रीका के, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, और स्टीव स्मिथ और एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया के, और विराट कोहली भारत के। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर औसत ऋण सीमा कितनी कर दी है? देखो बेसिकली क्या है, ये होता क्या है, मतलब ये जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? मान लो आप एक कंपनी हो या आप एक व्यक्ति हो, ठीक है, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए। अब सेविंग अकाउंट में तो क्या मिलता है, मुश्किल से 4% मिलता है सेविंग में। FD भी करा लोगे तो कितना, ज्यादा से ज्यादा 8%। अब आपको और ज्यादा चाहिए तो आप मार्केट में पैसा दे दोगे, ठीक है, उसमें रिस्क रहता है पैसा डूबने का, लेकिन आपको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए तो आप P2P प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप P2P में चले जाओ। P2P में क्या है, आप जैसा ही कोई व्यक्ति आपसे ऋण ले लेगा,
P2B लैंडिंग प्लेटफॉर्म RBI रेगुलेट करता है, तो इनमें रिलेटिवली रिस्क कम रहता है बजाय ओपन मार्केट में जाने के। तो P2B लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? पीयर टू पीयर, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहां पे एक बिजनेसमैन दूसरे से उधार ले सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर रहती है, तो इतना आसान नहीं होता यहां पे पैसा खाना। और यहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, काफी हाई मतलब इसमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो पहले यह होता था कि एक व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा का ऋण नहीं दे सकता और एक व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा का ऋण नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसमें एक व्यक्ति ने मान लो 2 लाख का ऋण दे दिया एक व्यक्ति को, फिर किसी को 2, किसी को 2, टोटल मिला के 10 लाख से ज्यादा का ऋण नहीं दे सकता। यानी आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट एक साल में नहीं कर सकते P2P प्लेटफॉर्म में, और कोई व्यक्ति सबसे मिला के भी 10 लाख से ज्यादा का ऋण नहीं ले सकता। और इतना ही नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा का ऋण नहीं दे सकता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी सारी गाइडलाइंस दे रखी है। अब ये 10 लाख से बढ़ा के सीमा कर दी है 50 लाख, 5 गुना बढ़ा दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। 50 लाख रुपए P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर औसत ऋण सीमा कर दी है। कौन सा कन्वेंशन साइबर अपराध पर पहली संधि थी जिसने इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित किया? देखो, यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा है कि इंटरनेट पर जो अपराध होते हैं, जैसे कंप्यूटर हैक वगैरह हो जाते हैं, ये बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो हमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि चाहिए। अभी जो है उसको बोलते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वहां पे हुई थी बुडापेस्ट कन्वेंशन, और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2020 में बैंकों का गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं बेसिकली, NPA परसेंटेज कितना है। अभी सितंबर 2019 में है 9.3, ये बढ़ के अगले सितंबर तक हो सकता है 9.9, यानी हमारे बैंकों की अगले एक साल के अंदर जो हालत है और ज्यादा खराब होने की आशंका जताई है खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक ने बड़े सहकारी बैंकों को कितने करोड़ रुपए और उससे ऊपर के सभी कर्ज की सूचना सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट को देने के निर्देश दिए हैं। कहने का मतलब यह है, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है यानी सहकारी बैंक है, अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा का लोन दे रहा है तो उसे बताना पड़ेगा किसको, CIRLC को, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, जिससे एक नजर रहे उसकी इन लोन्स के ऊपर और नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम किए जा सके। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लोसार महोत्सव मनाएगा? देखो, आसान सवाल है, लोसार महोत्सव मनाता कौन है? बौद्ध धर्म के लोग। जहां जहां भारत में बौद्ध धर्म के लोग हैं वो मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो, धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश हो, मैक्लोडगंज, ये सब जो जगह है, सिक्किम हो, जहां जहां बुद्ध धर्म के लोग हैं वहां मनाते हैं लोसार। तो अब इन चारों में कहां बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं? लद्दाख। तो आंसर है लद्दाख। लद्दाख बुद्धिस्ट मेजोरिटी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो आंसर हो गया लद्दाख। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है BPCL, महारत्न कंपनी है, इस साल 2 बनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टोटल है 10। तो भारत पेट्रोलियम ने किस राज्य में आधुनिक LPG बॉटलिंग प्लांट लगाने की स्थापना करी है? LPG बॉटलिंग प्लांट लगाया जा रहा है ओडिशा के बोलांगीर में, ओडिशा के बोलांगीर जिले में। रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार रेलवे में सभी नई भर्तियों को किसके माध्यम से लागू किया जाएगा? सभी नई भर्तियां रेलवे में UPSC के हिसाब से होंगी। UPSC ये नए परिवर्तन किए गए हैं, खासतौर पर जो क्लास ए पोस्ट है, तो उसमें 8 सर्विसेज को आपस में मर्ज किया गया है। और आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, ये कौन सी समिति ने कहा था कि ये कर दिया सरकार ने? ये कहा था विवेक देवरॉय समिति ने। ये अच्छे से याद कर लो, विवेक देवरॉय समिति बना था 2015 में, इसने ये कहा था कि रेलवे बोर्ड के सारी जो ये भर्तियां हैं UPSC कराए, और दूसरी बात रेलवे का आधुनिकरण कैसे किया जाए, रेलवे का नवीनीकरण कैसे किया जाए, इसके ऊपर बनी थी विवेक देवरॉय समिति। और आज की तारीख में विवेक देवरॉय कौन है? ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री की, उसके चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री को वित्तीय सलाह समिति, वित्तीय सलाहकार समिति जो प्रधानमंत्री मोदी की है, उसके चेयरमैन है विवेक देवरॉय। तो ये समिति कौन सी थी? विवेक देवरॉय समिति। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? ये न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि सरकार ने यह कहा है अगर आपको वाया वंदना योजना का लाभ चाहिए तो आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा। यह कहा है वरिष्ठ नागरिकों को, क्योंकि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की है और LIC इसको हैंडल करती है योजना को, और यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना में जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आखिरी तिथि जो है इन्वेस्ट करने की वो है 31 मार्च 2020। किस बैंक ने ATM में होने वाले अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन में कमी लाने के मकसद से वन टाइम पासवर्ड
विड्रॉल सुविधा लॉन्च करी है। कहने का मतलब ये है, अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो वहां पे आप अपना कार्ड डालते हो पैसा निकल जाता है, लेकिन अब एक मोबाइल पे ओटीपी भी आएगा, वो डालना पड़ेगा। ये करा है भारतीय स्टेट बैंक ने। इस सुविधा से ये होगा कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा। 2019 का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी आजीवन उपलब्धि पुरस्कार बीसीसीआई के द्वारा किसे दिया जाएगा? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो लोगों को मिलेगा, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार एक मिलेगा अंजुम चोपड़ा को जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, और यह मिलेगा श्रीकांत को, के श्रीकांत, कृष्ण मचारी श्रीकांत, ये भारत के महान बल्लेबाज थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत ग्रो करेगा। इन्होंने कहा है 6.1, पहले भी कह रहे थे 6.1, अब और कम नहीं किया है, 6.1 पे रुक गए हैं, बाकी सबने कम कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एंड पुअर के हिसाब से हम कितना ग्रो करेंगे, 5.1%। फिच के हिसाब से तो बहुत ही कम, 4.6। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नोमुरा और इन दोनों के हिसाब से, नोमुरा के हिसाब से और इनके हिसाब से करेंगे, मूडीज के हिसाब से 4.9, यानी तीन तीन एजेंसी कह रही है 4.9, फिच कह रहा है 4.6, स्टैंडर्ड पुअर कह रहा है 5.1, IMF कह रहा है 6.1, भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है 5%। और IMF के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीएवा, इनका कंट्री है बल्गेरिया। सो ये था 29 दिसंबर का वीडियो, मिलते हैं 30 दिसंबर के वीडियो में। बस दो वीडियो बचे हैं और फिर नया साल शुरू, तो एंजॉय करिए, थोड़ा सा एक दो दिन ऑफ भी ले सकते हैं आप चाहें तो। 31st को एंजॉय करिए, बाहर निकलिए, थोड़ा सा ठंड में भी एंजॉय करिए, गर्म दूध वगैरह पीजिए, जो गर्म दूध मिलता है वो भी पीजिए, और जस्ट एंजॉय। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।